नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गाजा में इजरायली सेना ने कहा कहा एयर स्ट्राइक किया। हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायल में 200 रॉकेट के कहां कहां दहलाने की कोशिश की। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकाने कितने ज्यादा हैं, जहां आईडीएफ ने ध्वस्त उन्हें किया है। और विनाशक खबरों के लिए नजर डाल लीजिए महायुद्ध टॉप 9 पर। इजरायली सेना ने हमास के गढ़ खान यूनिस पर भारी बमबारी की है। आईडीएफ ने खान यूनिस के मुख्य अस्पताल पर हवाई हमला किया है। इस हमले में 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने जहां हमला किया है वहां शरणार्थी कैंप है। गाजा में इजरायली सेना बारूद की वर्षा कर रही है। इजरायली वायुसेना ने नासिर अस्पताल के पास हवाई हमला किया है। इस हमले में एक 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। दावा है कि इस बिल्डिंग में हमास का बेस कैंप था। आईडीएफ ने दावा किया है कि बमबारी में 45 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने खान यूनिस के एक स्कूल के पास बमबारी की है। जिस शरणार्थी कैंप के पास हमला किया गया है वहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित कैंप था। यूएन शरणार्थी शिविर पर हमले के बाद इलाके के लोगों में दहशत है। हमले के वक्त स्कूल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। गाजा पट्टी के राफा में हमास ने आईडीएफ के बख्तरबंद वाहन पर हमला किया। हमास के लड़ाकों ने मार्कोवा टैंक को विस्फोट से उड़ा दिया। इस हमले में आईडीएफ के बख्तरबंद ब्रिगेड की 121वीं बटालियन ने 2 सैनिकों की मौत हो गई। गाजा में अब तक करीब 38,000 लोग मारे गए। राफा में इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की। आईडीएफ ने विध्वंसक हमला कर हमास की सप्लाई लाइन तबाह कर दिया है। इजरायली सेना ने आईईडी ब्लास्ट कर हमास के टनल को ध्वस्त कर दिया है। दावा है कि हमले में हमास को काफी नुकसान हुआ है। गाजा में हमास और इजरायल सेना के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। हमास लड़ाके आईडीएफ के आर्म व्हीकल को लगातार निशाना बना रहे हैं। हमास ने आईडीएफ के पैथर्ड आर्म व्हीकल को बर्बाद कर दिया है। हमले में आईडीएफ के कई सैनिक के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। अपने कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्ला बौखला गया है। इसराइल से बदले की आग में झुलस रहे हिजबुल्ला ने रॉकेट की बौछार की। हिजबुल्ला ने उत्तर इसराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। 20 ड्रोन ने इसराइली ठिकानों पर बमबारी की है। विध्वंसकारी हमले के बाद गोलान हाइट्स और अपर गलीली में कई जगह आग लग गई। हमले में कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। गाजा के बाद इसराइल ने दक्षिण लेबनान में बहुत बड़ा प्रहार किया है। आईडीएफ फाइटर जेट ने लेबनान में घुसकर बमबारी करते हुए हिजबुल्ला के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। आईडीएफ ने शहीन और बालात में सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागे। लेबनान पर इजरायली हमले का हिजबुल्ला ने करारा जवाब दिया है। नॉर्थन इसराइल पर लेबनान की तरफ से कई हमले किए गए। हमले से नॉर्थन इसराइल में भीषण तबाही मची है। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने दर्जनों रॉकेट दागे।